पाकिस्तान का क्या मकसद था, पार्टीशन का क्या मकसद था? अगर कोई मकसद था तो वही इस ड्रामे का है कि हमें एक मुल्क मिला, हमने एक आसमान के नीचे सांस ली, एक नई ज़मीन मिली, क्या हमने उसके साथ इंसाफ किया या नहीं किया? बच्चों और यंगस्टर्स जो है उनको उनको एक रियल पिक्चर मिले, उनका इंटरेस्ट पैदा हो कायदे आज़म के अंदर, अपने हीरो के अंदर, और उनको ग्लैमराइज तरीके से हाईलाइट करके उनकी बात को सुना जाए और समझा जाए, क्योंकि उन्होंने सब बातें अच्छी ही की हैं, लेकिन चूँकि वो की उस तरीके से गई हैं तो वो बोरिंग लगती हैं, जब इंटरेस्टिंग लगती हैं तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा अच्छी तरह से फॉलो किया जाता है. तो दैट इज़ बेसिकली वॉज द पर्पज़ ऑफ द प्ले. Apart from entertainment, giving a message in a glamorized and more meaningful way. यंगस्टर को मैसेज ये दिया है कि पॉजिटिविटी रखें अपने अंदर. कुछ भी जो चीज़ें हुई हैं पार्टीशन को लेके और बाकी चीज़ों को लेके, हमारे दिल एक है. हम तासुब और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए. जिस तरह अनवर साहब ने ये बताया है डायलॉग्स के ज़रिए और वो जो हम लोगों ने डिलीवर की हैं चीज़ें, तो उसमें सिर्फ एक मैसेज ही है पॉजिटिविटी का कि हम अलग नहीं है. अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का फैसला 10 साल के लिए महफूज किया जा रहा I guess the message would be that the partition has happened and we need to go forward from it, and there was a reason that it was done, and we should actually focus on that reason and safeguard our minorities and actually not be fighting against each other, rather build ourselves towards something better. So I miss kar raha hu hamesha. Keh raha hai ki मर्द मर्द की जात पे भरोसा नहीं कर सकता. थोड़े लोग आएंगे ना सर.